पारशिवनी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से फसलों का भारी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ आने से अनेक गांव कस्बों का संपर्क टूटा। वहीं खेत खलियानों में भारी बारिश का पानी जमा होने से फसलें पानी के नीचे, हजारों एकड़ खेत की फसलें बर्बाद होने का कयास लगाया जा रहा है। करभाड़ ग्राम के समीप नाले में बाढ़ आने से करभाड़ ग्राम के निचले इलाकों में रहने वाले घरों में पानी जमा होने से घरों का सामान, अनाज, बिस्तर, कपड़े, अन्य साहित्य पूरी तरह से भीग जाने से ग्रामवासियों को नुकसान उठाने की नौबत आई है। वहीं करभाड़ के समीप पेड़ की बस्ती में बड़े पैमाने पर बाढ़ का पानी जमा होने से अनेक घरों में पानी घुसने से भी अनाज के साथ साहित्य पानी में भीगने से वहाँ के निवासियों पर भूखमरी की नौबत आई। जगह जगह सड़कें पानी के बहाव से उखड़ जाने से आवागमन में मुश्किलें आ रही है, तो पुलिया नालों के आसपास खेतों की मिट्टी बरसात के पानी में बह जाने से खेती के फसलों का भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं काल भैरव के पास पेड़ गिरने से बिजली की तार रास्ते पर गिरे हुए हैं। इस बार तत्काल बिजली विभाग आला अधिकारी को जानकारी देने पर भी बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, अन्यथा बड़ा जानलेवा हादसा होने की संभावना जताई जा रही थी। वहीं नदी नालों में बाढ़ आने से सभी ओर जल जमाव होने जैसी स्थिति है। नुकसानग्रस्त परिवारों को प्रशासन की ओर से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। वही खेत खलियानों में फसलों के हुए भारी नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा दिया जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। स्थानीय विधायक सांसद द्वारा इस इलाके का जल्द से जल्द दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने की मांग की जा रही है। पुरानी पराठी गोंदी साहब में पानी चालू है, 48 घंटे से पोपट पराठी गावत नुकसान, तार कालभैरव पेट कालभैरवपासून तारही तुटले आहे, झाडं पडलेले आहे आणि नुकसान पिकाची पुरी भरपूर झालेली आहे। आजच्या पावसामुळे भरपूर शेतमालाचं नुकसान झालेलं आहे। पूर आज कालभैरव पेठमध्ये सहादेव राऊत, मधुकरजी राऊत यांच्या शेतीमधून पूर्ण पूर गेलेला आहे, त्यांचा भरपूर नुकसान झालं। तसंच गावात काही लोकांच्या भिंती पडल्यात आणि काही लोकांचं अनाज वगैरे भिजलेलं आहे, तर प्रशासनानं यांचीवाली थोडी मदत करावी अशी माझी विनंती आहे। पारशिवनी तालुक्यात मागील 48 तासामध्ये मुसळधार पावसामुळे या भागातील नदी नाले ओव्हरफ्लो झाल्याने काही गावांना पाण्याने वेढलं आहे, तर अनेक घरांमध्ये या पावसाचे पाणी घुसल्याने अन्नधान्य, कपडे लत्ते व इतर साधनसामग्री पूर्ण ओलेजंब झाल्याने अनेकांचे नुकसान झाले आहे। तर या मुसळधार पावसामध्ये झाळे कोसळून पडल्याने तसेच विद्युत तारा यासुद्धा रस्त्यावर पडल्या होत्या, अशी परिस्थिती या भागात झाली असून प्रशासन या भागात किती दक्ष आहेत हे दिसून येत आहे। जर प्रशासनाने वेळीच या भागात व्यवस्था केली नाही तर मात्र मोठं संकट येण्याची पाळी या नागरिकांवर येऊ शकते, अशी परिस्थिती झाली आहे। आपण पाहू शकता बिटोली पेठ कालभैरव या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात या पुलाला पूर आला आहे आणि पुलावरून पाणी वाहत आहे। या गावाचा संपर्क तुटला असून अनेक भागामध्ये या पाण्याने नाकी न मानलेलं आहे, लोकांचे जनजीवन अस्तव्यस्त झालेलं आहे आणि त्यामुळे या भागात प्रशासनाने तात्काळ मदत करावी, मदत कार्यासाठी टीम बोलवावी अशी मागणी या नागरिकांनी केली आहे। तसेच झालेल्या नुकसानीची भरपाई तात्काळ शासनाने या नागरिकांना द्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। मी रुपेश खंडारे, BCA न्यूज, पारशिवनी।